नौगांव जिले के कामपुर में भी बाढ़ के पानी के चलते कई सड़कें पानी में डूब गई। गांव में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। लॉकडाउन के समय जहां लोग परेशान हैं, वहीं असम के नौगांव जिले के कामपुर में आई बाढ़ की विभीषिका के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोगों का घर पानी में डूब गए हैं, खेती बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, कृषकों की हालत भी दयनीय हो गई। नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट। नद नदी फेने फुटुकारे बाढ़ गोटे समग्र बानपानी तांडव सृष्टि कर इफाले आनफाले कोरोना महामारी राइजक जुरला कैसे लकडाउन चलि मानु हाहकार खाने नोपा कृषक श्रमिकों अवस्था नोहवा और यह सरकार हेमाही विशेषक जल सम्पद विभाग हेमाही और मंत्री केशव महंत अदूरदर्शित कारण आज राइजे दुर्भोग भुगलिया कपिली नदी बरपानी नदी आज कईबादिनों धरी मानने बाहनी पानी राइजर सम्पूर्ण कृषिभूमि जीतु ये कृषि मैं कृषि प्रधान अंचल यार राइजे कृषि कार्य ऊपर निर्भर करे और एक बानपीड़ित अंचल राइजे खाली खेती ऊपर निर्भर कर गति के बड़ो खेतर ऊपर इतना निर्भरशील और बड़ो इतना चपाव समय कपिली और बरपानी पानी जीदर तांडव सृष्टि राइजर हाहकार अवस्था इफाले जमुना मुखर पर आदि गारुखुंडा गोसाईगाँव पटियापाम देउरीगाँव बारेगुगा एक गोटे सम्पूर्ण माथरबीत संकटजनक अवस्था आज इतिम्य गोसाईगाँव माथरी तो छिगि गई है और रहार विधायक बारे बारे कह थका राइजे बारे बारे अनुनय विनय कर पिछतो तार व्यवस्था ग्रहण नक जार फल राइजर दुर्योग अवस्था राइज घर दुआर सम्पूर्ण ध्वसर मुखले गति से गति के सरकार ऊर दाबी जानसूँ जो अति शीघ्र एय समय सरकार यहाँ पुनः निर्माण और मेराम व्यवस्था करक अन्यथा राइजे जीधरण दुर्भोग भुगिसे यार परिणति अति भय हम गति के सरकार समय थकते ये काम करें दाबी जानालू और इतिम्य मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल डांगरियादेव कैसे जो त्रिश मेर भर सकोबाक सिंगि जो माथाउरी रास्ता घाट निर्माण करा कथा अशार प्रतिपन्न हल भेकु भावना हल एक जल सम्पद विभाग कायित्व ग्रहण नक केशव महंत अकमन्यता और अदूरदर्शित कारण आज राइजे कामपुरबास राइजे नगाव जिलार राइजे आज दुर्भोग भुगलिया गति के सरकार ऊर दाबी जानसूँ अति शीघ्र यह मेराम कम कर आगंतुक दिन राइजक निरापदे थकार व्यवस्था ग्रहण करें कृषक मुक्ति संग्राम समितर तरफों पर आम सरकार ऊर दाबी जानूँ।